हरे कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण, आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए युगल सरकार की प्यारी सी धोती विद स्कर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हम स्कर्ट भी बना रहे हैं और ये ज्वाइंट नहीं है, ये अलग से बना रही है। हमें ठाकुर जी की धोती ये अलग से है और ये यहाँ पर धोती के साथ में इनकी चोली अटैच है। तो यही आज आपको बनानी बताएंगे, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी। जैसे कि ये मैंने नेट में बनाई है, अपने राधा जी की सेम बनाई है उन्हीं की जैसी। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी इस तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से ये इस तरीके से दिखी। तो आपने मैंने आपको ये धोती दिखाई है अब मेन ठाकुर जी के लिए, गोपाल जी की। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी अब इसी राधा जी की ड्रेस। तो हमने इसी तरीके की राधा जी की ड्रेस बनाई है, सेम जैसे मैं राधा जी की बनाती हूँ ऐसे अपने ठाकुर जी की सेम बनाती हूँ। तो इसी तरीके का ये पेयर भी आप इसको बनाना सीख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देखकर आप बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि हमारी राधा जी की इसमें हमारी लहंगा बनाना बताया है हमने, यहाँ पे दुपट्टा दिखाया बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आज मैं इस वीडियो में तो आपको ठाकुर जी का धोती बनाने बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए ठाकुर जी की धोती का हम आपको मेजरमेंट बताते हैं। जैसे कि खड़े वाले ठाकुर जी की हम धोती बना रहे हैं, तो इस धोती का जो मेजरमेंट मैं देखिए किस तरीके से बता रही हूँ आपको, ये 7.5x7.5 इंच मैंने ली है। थोड़ी सी लेंथ ही होती है तो 8 इंच या 7 इंच या 7.5 इंच कर सकती हैं। तो आप अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग एक आधा इंच ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर अपने ठाकुर जी का नाप बता दिया, तो आप इसी तरीके से 7.5x7.5 इंच का ले सकते हैं। ये मैं 15 नंबर ठाकुर जी का आपको बता रही हूँ जो मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट इस तरीके से हमने दो पीस ले लिए हैं, इसको दो पीस कर लिए। ये देखिए इस तरीके से धोती बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। तो ये हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, धोती बनाने का पैटर्न यही है। इसको धोती को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं इस बार यहाँ पर राउंड शेप में थोड़ा सा बनाऊंगी, मैं तिकोनी नहीं बनाऊंगी। तो मैं राउंड शेप यहाँ पर हल्का सा कट कर देती हूँ और हल्का सा कट हम ये बाद में ऊपर से करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे हम चुन्नट डालेंगे तो बाद में हम इस जगह से कट करेंगे, मैं इसको बाद में करूँगी और पहले यहाँ से हल्का सा शेप देंगे। मैं इसको राउंड शेप में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये देखिए थोड़ा शेप दे दिए इस बार। तो ये शेप देने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और ये थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेते हैं उल्टा और सीधा, जैसे कि प्लेन है तो हमें आसानी रहेगी कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा उल्टा साइड कौन सा है सीधी साइड कौन सी। तो मैं इसे गोल्डन टच दूंगी, जैसे कि हमारी राधा रानी की हम ड्रेस हमने बनाएंगे। इस तरीके से पलटने के बाद ये हमारा सीधी साइड और जो मार्क किया वो उल्टी साइड है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके का गोल्डन रिबन का वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हल्के से इस तरीके से चौड़ाई में भी पट्टी लगा सकते हैं और इस तरीके से किनारे पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से किनारे पर भी लगा सकते हैं, ये किनारे वाला इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया, गोटा स्टिच करने के बाद इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग, एक ही सिलाई में हमारा स्टिच हो गया बहुत ही प्यारे तरीके से। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से धोती को दोनों पीसेस को इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। हमें ज्वाइंट यहाँ तक हम ज्वाइंट करेंगे, हमारा 2.5-3 इंच हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से जैसे कि हमारा एक कोने का हमने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ पर जैसे ऊपर तिकोना है तो इसको भी मैं थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये हम यहाँ पर इस तरीके से इसको कट कर देंगे ताकि हमारी प्लीट्स अच्छे से बन जाए। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेंटर में इसको एक मार्क कर देंगे, इस तरीके से पता चल जाए ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ से इस तरीके से ये देखिए अब क्या कि अब प्लीट्स बनाएंगे, ये राउंड शेप हो गया हमारा। तो राउंड शेप होने के बाद इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे, ये हल्की हल्की छोटी छोटी प्लीट्स इस तरीके से। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं और आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से क्या है कि हमारे इस तरीके से प्लीट्स आएंगे और जैसे कि ये इधर से डालेंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे और इधर से डालेंगे तो ये हमारी ऐसे बाहर उभरी उभरी प्लीट्स आएंगी। तो आप देखिए जैसा भी आप बनाना चाहें तो बना सकती हैं। तो दोनों तरीके की प्लेट्स आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्लेट्स डाल दिए और ये देखिए ये प्यारी सी धोती का राउंड देखिए, इस बार मैंने राउंड शेप की बनाई तो इस तरीके से राउंड राउंड शेप बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत। और प्लेट्स जैसे मैं डालती हूँ मुझे वही पसंद है, तो मैंने इस तरीके से बाहर की तरफ प्लेट्स बनाई है। तो ये देखिए आप चाहो तो इस तरीके से डालेंगे तो ये अंदर का राउंड राउंड आएगा, इस तरीके से अंदर अंदर आएगा। तो मैं ये इस तरीके से ना बना के मुझे यही वाली पसंद है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बता दिए। तो मैंने यहाँ पे प्लेट्स तैयार कर दिए, जैसे कि हमारे ठाकुर जी की जो भी कमर होती है, हमारे ठाकुर जी की कमर जैसे 8 इंच है, 5 इंच है या 4 इंच है, आप उसके अकॉर्डिंग पट्टी लेने के बाद
और यहाँ से फिर हमने ये 2.5 इंच की पट्टी ले ली है इस तरीके से। और यहाँ पर अब नेफा जो अटैच करना है, अटैच करने के बाद यहाँ से स्टिच करेंगे। ये स्टिच करने के बाद इसको फिर इस तरीके से पलट के यहाँ पर स्टिच कर देंगे, तो ये नेफा तैयार हो जाएगा। इस तरीके की धोती प्यारी सी हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने नेफा स्टिच कर दिया और ये प्यारी सी धोती रेडी हो गई है। ये हमारी गोल शेप की धोती बहुत ही प्यारी सी तो तैयार होगी। अब हमें इसके साथ में अटैच करनी है चोली। तो चोली में इसमें अटैच करूँगी, हमें चोली के लिए इस तरीके का कपड़ा लेंगे हम। ये देखिए मुझे विस्क के साथ ही अटैच हमें चोली करनी है। तो हमने ये चोली का कपड़ा, इतना लेना था जो कि ठाकुर जी के आगे से लेके पीछे तक पूरी लेंथ हो जाए। तो ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर ये कपड़ा इस साइड से हमने यहाँ पर ये 4 इंच का लिया और यहाँ पर ये कपड़ा जैसे हमने हमारा 9 इंच का, तो हम इसे कट करके 8 इंच का कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसकी 2 पट्टी बना लूँगी पीछे से और दोनों साइड इसमें यहाँ पर इस तरीके गोल्डन रिबन लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों जगह को गोटा लगा दिया और स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद इस तरीके से हम एक के ऊपर एक रखेंगे और इसका इतना हम स्टिच कर देंगे जैसे कि हमारे जितने भी ठाकुर जी बड़े या छोटे होते हैं तो ठाकुर जी के आगे से जितने ही रखना होता है। मैं यहाँ पर 2 इंच रखूँगी, 2 इंच को स्टिच कर लूँगी और काफ़ी ये पूरा ओपन रख देंगे हम इसको। तो जैसे कि मैंने बताया मुझे इसके साथ में धोती के साथ में अटैच करेंगे इस तरीके से। आप इस तरीके से भी इसको पहना सकते हैं यहाँ पर एक रिबन लगाकर, लेकिन मुझे क्या करना है इस तरीके यहाँ पर अटैच बनाएंगे हम। तो धोती के साथ में अटैच करने के लिए यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया। स्टिच देखिए कहाँ पर किया है, यहाँ पर जहाँ पे हमारी पहली सिलाई थी इसी जगह हमने इसको स्टिच कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर हमें नाड़ा डालना था या इलास्टिक डालनी है, जो भी डालना होता है, तो हम इजीली इसके अंदर डाल पाए। तो ये नेफी के हम इस तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर स्टिच कर दिए, तो हमारे साथ ज्वाइंट यहाँ पर धोती के साथ में चोली ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से। देखिए ठाकुर जी को जैसे पहनाएंगे हम तो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे तरीके से इस तरीके से यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगा और दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये धोती इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी और ये धोती इधर से फोल्ड होगी। जब इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी यहाँ पर जो भी डोरी होगी तो वो बांधने में अच्छे से बन जाएगी और चोली भी साथ में बन जाएगी। तो ये देखिए ठाकुर जी की ये विद धोती विद चोली ज्वाइंट वाली, तो बहुत ही खूबसूरत आपको मैंने स्टिच करनी बता दी है। अब इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, जैसे कि मेरी राधा रानी का लहंगा है तो मैं लहंगे को यहाँ पर इनकी स्कर्ट बनाऊंगी प्यारी सी नेट की, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो मैं इसके ऊपर यहाँ पर स्कर्ट बनाएंगी। तो देखिए इस तरीके की जो यहाँ पर ऑरेंज कलर की नेट है, मैंने राधा जी का भी इसी तरीके का लहंगा बनाया है। बहुत ही ये थोड़ी सी हार्ड सी बहुत ही प्यारी सी नेट है इसमें, तो इस तरीके से वर्क भी बहुत प्यारा है। तो इसके नीचे मैंने यहाँ पे देखिए ये किनारी लगा ली है। तो इस तरीके की किनारी मैंने अपने गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए यहाँ पर भी स्कर्ट में लगा दी है पहले से। जो हम ये किनारे लेकर आएंगे किनारे पर रखेंगे और पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैं स्टिच कर चुकी हूँ, तो अब मुझे क्या करना है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अब स्कर्ट जैसे कि हमारे ठाकुर जी की इस ड्रेस के ऊपर हम स्कर्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको प्लीट्स बनाएंगे, यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे। और जो इसका मेजरमेंट है ये देखिए, आप जैसे लेंथ ही बनाना चाहते हो तो लेंथ ही बना सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पर लेंथ ही बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ से लिया है और इसको पहले प्लेट्स डाल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे प्लेट्स बना लिए हैं। तो इस तरीके से जैसे मैं फ्रिल वाली बनाती हूँ इस तरीके से चुन्नट वाली मैं प्लेट्स बनाई है। मैंने वैसी वाली नहीं बनाई है जैसे फोल्ड करके, इस तरीके से नहीं बनाई है और मैंने चुन्नट वाली प्लेट्स बनाई। तो देखिए इस तरीके से हमारे ठाकुर जी की स्कर्ट कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये इसके ऊपर डालेंगे तो बहुत ही कलर अपने आप उभर कर आ जाएगा। तो इस तरीके का ही देखिए हमने यहाँ पर अब क्या करना है, इस स्कर्ट में हमें नेफा लगाना है। तो नेफे के लिए जैसे हमारे ठाकुर जी की जैसी कमर है हमारे, तो उतनी ही हम पट्टी लेंगे। इतनी पट्टी ले ली हमने हमारे ठाकुर जी की कमर के हिसाब से और ये हमने 2 इंच की पट्टी ली है और इसको यहाँ पर इस तरीके से स्कर्ट के साथ में ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरीके से फिर स्टिच करके फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने नेफा स्टिच कर दिए और ये हमारे ठाकुर जी के स्कर्ट बहुत ही प्यारी सी नेट की, हमने पहले हमने आपको सिखाया था इसका ज्वाइंट करना, अब हमने अलग से ये स्कर्ट बनाई है। देखिए इस तरीके से जैसे धोती के ऊपर, धोती के साथ में हमने यहाँ पर स्कर्ट बनानी बताई है। तो इस तरीके कपड़े से भी बना सकते हैं आप, नेट से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये राधा रानी के पियर जैसे बनाना था साथ में, तो इसी तरीके से मैंने ठाकुर जी की भी स्कर्ट बनाई है। ये धोती के ऊपर पहनेंगे, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी स्कर्ट वाली धोती। तो हमारे मैंने ज्वाइंट कर दी है यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर इनकी चोली भी अटैच कर दी है। तो हमारे ठाकुर जी से पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारे ये लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारे ठाकुर जी का ड्रेस हमने आपको ये बनानी बताई है। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा मेरे समझाने का तरीका।
तो इस तरीके की धोती आप भी अपने ठाकुर जी को बनाकर पहनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।